जय हिंद बच्चों, लाभ हानि का एक पैटर्न देख रहे हैं। जैसे कि सवाल लिखा है, किसी वस्तु को 400 के स्थान पर 350 में बेचने से हानि प्रतिशत में 5% की वृद्धि होती है, तो क्रय मूल्य बताओ। सवाल ये कहना चाहता है कि वस्तु वो पहले कितने बेचने की कोशिश कर रहा था, 400 रुपये में बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मन में क्या हुआ, उसने वस्तु को 350 रुपये में बेचा। जब भी वो बंदा 350 रुपये में वस्तु बेचा, अर्थात कितने कम रुपए में बेच रहा है वस्तु को, 50 रुपये कम में बेच रहा है। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि जब 50 रुपये में कम में बेचा तो उसको जितने प्रतिशत की हानि हो रही थी उसमें 5% की हानि क्या हो गई, बढ़ गई, वृद्धि हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो 5% की हानि हुई किसकी वजह से हुई, 50 रुपये की वजह से हुई, अर्थात 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 रुपये। हमें क्या ढूंढना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब CP, 100% की वैल्यू। तो 5% की वैल्यू 50 रुपये, तो हमारी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका हम क्या कर देंगे, क्रॉस गुणा का। तो 50 × 100/5, 5 से कटेगा, 10 × 50, अर्थात 10 × 100, तो क्या आ जाएगा जवाब, 1000 रुपये। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 1000 रुपये। एक और सवाल देखते हैं। सवाल ऐसा है कि एक वस्तु को 960 रुपये की अपेक्षा 1200 में बेचने से 30% अधिक लाभ हो रहा है। जो व्यापारी या व्यक्ति जो है वो उस वस्तु को पहले 960 रुपये में बेचने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, फिर उसने देखा कि अगर 960 की जगह अगर उसने 1200 रुपये में बेचता, पहले 960 में कोशिश कर रहा था, फिर उसने उस वस्तु को 1200 में बेचा, तो उसे क्या हुआ, अगर इसे आप देखोगे तो 240 रुपये अधिक उसे क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन सवाल ऐसा कह रहा है कि जो उसे लाभ प्राप्त हुआ रुपयों में, लेकिन प्रतिशत में कितने का लाभ प्राप्त होता है, 30%, अर्थात जो 240 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ वो किसके बराबर हो गया, 30% के बराबर। तो 30% की वैल्यू कितनी हो गई, 240। तो हमें क्रय मूल्य ढूंढना है, मतलब 100% की वैल्यू कितनी, इसको क्रॉस कर दोगे, 240 × 100/30, 30 से काटोगे तो 30 × 8 = 240, तो हमारा आ गया 8 × 100, तो आंसर कितना हो जाएगा, 800 रुपये। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 800 रुपये। जय हिंद बच्चों।